इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जब भी आप इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड यूज कर रहे हैं, अब उसके आगे आप चाहे रिसर्च यूज करें, चाहे आप अप्रोच यूज करें, चाहे आप नॉलेज यूज करें, उस आगे वाले वर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। बट इंटरडिसिप्लिनरी का मेन मतलब क्या होता है? इंटर यानी एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स के बीच आप कुछ सिंथेसिस, कुछ नॉलेज, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन देखना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं। जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन की बाउंड्रीज में रहते हुए हम चीजों को देखते हैं। यहां पर हम उन बाउंड्रीज को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और हम देखेंगे कि अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूं तो मैं कैसे उसको मैथ्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, किस किस के साथ बाउंड्रीज को थोड़ा सा तोड़ के कैसे आगे बढ़ के उस चीज को सीख सकते हैं। सो ये बेसिकली इंटरेक्शन देखता है बाकी डिसिप्लिन्स के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ। सो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब आप बाकी डिसिप्लिन्स के साथ उसका इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं।